है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आजकल क्या होता है, सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है, डल फील करती है, स्किन पर कोई शाइन नहीं रहती, स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी बेजान लगती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जो फेस है उसके फेस पर कोई ग्लो नहीं है, तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको ऐड करना है व्हीट फ्लार यानी गेहूँ का आटा। तो आप इसमें 1.5 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर लीजिए। गेहूं का आटा सबके घर में होता ही है और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन को वाइट एंड ब्राइट बनाएगा, सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा और शाइनी बनाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपको सूट नहीं करती तो आप इसमें चंदन पाउडर भी ले सकते हैं, बट ड्राई स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें और चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे इस फेस पैक से आपको कोई ड्राई स्किन वाले भी इस फेस पैक को इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई स्किन पर हार्म नहीं होगा। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको 200% रिजल्ट मिलेंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तीनों चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड यानी दही, 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर लीजिए। तो अगर आपको जो भी डाउट था कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो मैं इसमें दही भी ऐड कर रही हूँ जो स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस फेस पैक को ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन वाले, ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, इससे स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। रोज़ वाटर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी, डीपली क्लीन होगी और वाइट एंड ब्राइटन होगी। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। आपको उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि इस पैक में कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, बहुत स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मेरा DIY रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि इस पैक को यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है, ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है। स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना और उसके बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि जो आपका ये फेस पैक वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन पर डीपली क्लीन करेगा आपकी स्किन को। और मैंने इसमें दही ऐड किए, रोज़ वाटर ऐड किया, जिससे क्या होगा कि अंदर तक आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, जिससे कि सर्दियों के मौसम में जो स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी बेजान लगती है, इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर हो जाएगी और आपकी जो त्वचा है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और उसके बाद जब ये पैक अच्छे से सूख जाए, कम से कम 20 से 25 मिनट बाद, आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। जब अच्छे से सूख जाए तब फेस वॉश कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रहा है, स्किन पर कोई भी स्पॉट्स नहीं नज़र आ रहे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है स्किन। तो अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं इजीली, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। और अगर आपके स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी बेजान लग रही है, तो एक बार इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो कम से कम वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।